इस बीच यमुना पुष्टा इलाके में विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर किस तरीके की हालात है ये भी बताइए जरा विवेक। प्रतिमा, इस वक्त मौजूद हूँ पुराना यमुना पुष्टा के पास में, और जहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गांव है जो कि पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, जलमग्न है पूरा गांव, और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं जो कि अभी भी गांव के अंदर अपने घरों के अंदर जो है फंसे हुए हैं। लगातार NDRF की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है, कई लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं और साथ ही उनके मवेशी जो हैं वो भी अंदर फंसे हुए हैं, जिसके चलते लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। लोगों को पहले हिदायत दी गई थी कि वो यहाँ से खाली करके चले जाए, लेकिन प्रशासन का कहना है कि लोगों ने बात नहीं मानी। लोगों का ये कहना था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी आ जाएगा। इस रात को काफी पानी यहां पर पहुंच गया, जिसके बाद यहां पे लोग जो है फंस चुके हैं। पहली मंजिल के ऊपर जो है लोग रहने को मजबूर है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरह से पानी आ चुका है। जहां तक नजर जाती है आपको सिर्फ यहां पर पानी ही पानी नजर आएगा, और ये तस्वीरें जो है ये पुष्टे के पास की तस्वीरें हैं। यहां पे ये पूरा गांव जो है जलमग्न हो रखा है और यहां पर काफी मवेशी जो है वो फंसे हुए हैं। कुछ लोग इलाकों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन हालात हर जगह एक जैसे ही है, हर जगह पानी भरा हुआ है और लोगों को तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बता दें, दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर पानी भरने के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आउटर रिंग रोड से सटे पॉश कॉलोनी सिविल लाइन्स के मकानों में पानी घुस गया है, कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात है। यहाँ से आपको हमारे संवाददाता अभिजीत की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, तो लोग भी अब यहां पर देख सकते हैं कि कितने परेशान हो रहे हैं। इस वक्त मैं आउटर रिंग रोड के ऊपर फ्लाईओवर पर मौजूद हूं और यहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है ये देखने के लिए कि आखिरकार आउटर रिंग रोड पे क्या हालात हैं। और हालात क्या है ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आउटर रिंग रोड का एक हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और अब पानी दूसरी तरफ भी भरने लग गया है, और उसकी वजह से ये लंबा ट्रैफिक जाम आप देख सकते हैं आउटर रिंग रोड पर। इस वक्त मैं ISBT पर मौजूद हूं और ISBT से वजीराबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम पिछले एक से डेढ़ घंटे से लगा हुआ है। तो जल जमाव की वजह से सड़कों का बंद होना और बंद होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगना दिल्ली में शुरू हो गया है। स्थिति जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, और इसी का उदाहरण हम आपको दिखाना चाहेंगे। यमुना मार्ग पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यमुना मार्ग पर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, ये पानी भर चुका है, और उसके कारण बाहरी रिंग रोड पर क्या स्थिति है ये हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर आपको लगता हुआ दिखाई देगा। पिछले आधे घंटे से यहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति जो है वो ऐसी की ही बनी हुई है। पहले लोग रॉन्ग साइड से भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। अब सिर्फ एक तरफ की ट्रैफिक ही आउटर रिंग रोड पर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आपको जाम की स्थिति दिखाई देगी और पानी के बीच से गाड़ियां यहां पर आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि शाहदरा की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर पर जाने के लिए भी लोगों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी के बीच से होते हुए ही उनको इस फ्लाईओवर पर जाना है। दूसरी तरफ अगर वजीराबाद की तरफ ट्रैफिक जा रही है तो किस तरीके से रेंगती हुई ट्रैफिक जा रही है और पूरी की पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो चुकी है। तो इस तरह की दिक्कतें अब होनी शुरू हो गई है, और ऐसे में राहत और बचाव कार्य में भी खासी मुश्किल सामने आएगी, क्योंकि जो छोटी गाड़ियां हैं वो लगातार यहां पर फंसती हुई दिखाई दे रही हैं और घंटों लंबा जाम यहां पर लगना शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में गाड़ियां इसी सड़क से जाती हैं आगे की तरफ, लेकिन आज जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है।